गेमिंग किसको पसंद नहीं होता, और ऐसे ही एक ब्रांड है स्पिन बोर्ड करके, उन्होंने हमारे लिए और आपके लिए थोड़ा सा बड़ा डिब्बा भेजा है। अनबॉक्स करके बताते हैं क्या है इसके अंदर। नेल कटर प्रो मैक्स से खोलने का बात ही कुछ और होता है। एक दो तीन चार, यहाँ पे इनका व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ पे इनसे सपोर्ट मांग सकते हो। सबसे पहली बात, ये वाला जो एयरफोन है W10 गेमिंग एयरफोन है, बहुत ही बजट प्राइसिंग है इसकी, इसी के बारे में मेनली बात करने वाले हैं। और बाकी यहाँ पे स्पिन बोर्ड्स के गेमिंग गैजेट्स है। सबसे पहला है ये गेमिंग ट्रिगर, दूसरा है ये गेमिंग स्लीप, और तीसरा है ये गेमिंग कूलर। भाई कूलर पे देख रहे हो फोटो, सबकी टेस्टिंग करेंगे, बेसिकली सबको एक साथ कनेक्ट करके गेमिंग करेंगे और आपको बताएंगे क्या अलग एक्सपीरियंस आता है। और मेनली बात करेंगे इस गेमिंग एयरफोन के बारे में। बेसिकली मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि वायर्ड एयरफोन का जो गेमिंग एक्सपीरियंस होता है वो बहुत ही अमेजिंग होता है। और ये वाला एक बजट एयरफोन है, इसकी प्राइसिंग अराउंड 600 रुपए पड़ेगी अगर आप हमारा कूपन कोड यूज करोगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक एंड कूपन कोड दे देंगे। अभी बात करते हैं इन सभी गैजेट्स के बारे में। सो अपने वीडियो के हीरो प्रोडक्ट तो ये है, तो इनको क्विकली अनबॉक्स कर लेते हैं। इनकी टेस्टिंग वीडियो में गेमिंग करते वो कर लेंगे। वैसे काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इंडियन मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है तीनों प्रोडक्ट, वैसे चारों प्रोडक्ट। तो अभी इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। एयरफोन की क्वालिटी फर्स्ट इंप्रेशन में काफी सेक्सी सा लग रहा है यार, मतलब कि गेमिंग पूरा वाइब है इसके अंदर। बजट के हिसाब से वायर क्वालिटी काफी अच्छी है, टैंगल फ्री वाला वायर है ये। वैसे एयरफोन डुअल माइक वाला है, आपको डिटैचेबल माइक मिलता है और यहाँ पर भी माइक है। एक्स्ट्रा टिप्स क्लिप और यहाँ पे हुक्स है भाई, शार्क फिन वाले एयर हुक्स है और ओवल डिजाइन वाले यहाँ पे लगे हुए हैं। दोनों को ट्राई करेंगे, देखते हैं कौन ज्यादा अच्छा फिट होता है मेरे कान में, लेकिन फिटिंग को काफी इंपॉर्टेंस दी गई है। और एयरफोन में यहाँ पे माइक अटैच होता है और इसके डिजाइन में काफी कूल चीज लगा, यहाँ पे जो कलर है ना, एक कलर चेंज होता है पता नहीं कैसे, ब्लू एंड ग्रीन। गेमिंग एयरफोन है तो एल शेप प्लग है इसमें, तो आप यहाँ पे आराम से गेम खेल सकते हो, इससे एक्सपीरियंस काफी बढ़ जाता है। और ये गोल्ड प्लेटेड भी है भाई, तो बजट में हर चीज का ध्यान रखा गया, क्वालिटी से लेके क्वांटिटी तक। अब थोड़ी सी टेस्टिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इन भाई साहब की फिटिंग के बारे में। ये वाला एयरफोन थोड़ा सा भारी हो गया और ये वाला उतना अच्छे से फिट नहीं हो पाया, ऐसा लग रहा हूँ दोस्तों कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव लग रहा हूँ कि नहीं। हेलो सर, मैं शाकिब नियाजी बात कर रहा हूँ टेकूब मीडिया प्राइवेट लिमिटेड से। बेसिकली अभी तक आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए मैंने आपको कॉल किया था, प्लीज डू दैट। वैसे फिटिंग अच्छी, इसको पहन के भागने भागने की बात नहीं की ब्रांड ने, मैं भागूंगा नहीं। और अगर आप इसको जिम में पहनते हो, इसको निकाल के पहनो। अभी इसका हुक निकाल देते हैं, अब पहनते हैं, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, बिना माइक के काफी अच्छा। एक बार कॉलिंग कर लेते हैं। सो अभी लोग इसके माइक टेस्टिंग कर रहे हैं, बेसिकली बाहर रहते हैं, थोड़ा बहुत नॉइस रहता है। सो अभी बिना एक्सटर्नल माइक की आवाज पे बात हो रही है। हेलो भाई, आवाज आ रही है क्या? यस। कैसी आवाज है? काफी तगड़ी है आवाज को, काफी अच्छी आवाज है। ओके, बेसिकली इसका जो माइक है काफी नीचे है, वॉल्यूम कम है आवाज का, अभी थोड़ा सा इसमें एक्सटर्नल माइक लगा देते हैं। तो अभी क्वालिटी कैसी आ रही है भाई? माइक ऊपर लगा दिया हम लोग ने, क्वालिटी अच्छी है, यानी कि वॉइस काफी क्लियर है, लेकिन जैसे वो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव बात करते तो पीछे से ऐसी थोड़ी। तो ओवरऑल कहा जाए तो भाई माइक की क्वालिटी अच्छी है, इस पर आप आराम से कॉलिंग कर सकते हो। The next day. तो पूरे एक दिन के टेस्टिंग के बाद वापस आ चुके हैं हम लोग, और इस बार भाई पूरी गेमिंग वेमिंग करके आए हैं। सो अभी टाइम है गेमिंग का, और उससे पहले जितने भी गैजेट्स थे जैसे कि इनका स्लीव था, इसको यूज कर लेते हैं। तो इसकी प्राइसिंग है 230 रुपए और गेमिंग स्लीव्स की यही प्राइसिंग आती है। तो इसको पहन लिया जाए अपने अपने उंगलियों में। गेमिंग के लिए पहला स्टेप पार हो चुका है हम लोग का, और इनका जो कूलर है इसकी प्रॉपर टेस्टिंग करेंगे। सबसे पहले इसको कनेक्ट कर लेते हैं, टाइप सी पोर्ट है और इसकी प्राइसिंग अराउंड 1500 रुपीज है। इसको यहाँ पे रख दिया हम लोग ने। अभी इसका टेम्परेचर कितना है? अभी 13.1 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, क्योंकि दिल्ली में बहुत ज्यादा ठंडा है, और दीवारों के टेम्परेचर 12 डिग्री भाई। तो टाइमर लगा के हम उसको ऑन कर देते हैं। टाइमर ऑन, ये हो गया ऑन, और इसमें से RGB लाइट्स भी आती हैं। सो अपना पबजी स्टार्ट हो चुका है। सिंपल जो इनका ट्रिगर है बहुत परफेक्टली फाइन काम कर रहा है, और भाई ये हेडफोन बहुत एपिक है, गेमिंग स्लीव से अलग ही लेवल की सेंसिटिविटी मिल रही है भाई, गेमिंग साउंड एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, ट्रिगर काफी फास्ट है। ट्रिगर थोड़ा सा बड़ा होने की वजह से आपके स्क्रीन के एक्सपीरियंस को थोड़ा सा कम करता है ये। तो अभी तो मैंने आप लोग के लिए गेम खेला था, और अगर एक्सपीरियंस की बात की जाए, फुल वॉल्यूम पे प्ले नहीं कर पाया, काफी ज्यादा तगड़ा सराउंड साउंड है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि इसे आपके सर के जस्ट पीछे बहुत ही बड़ा सा स्पीकर है जो कि एकदम ऐसे बज रहा है लिटरली। ऑलमोस्ट 80% वॉल्यूम पे खेला था मैंने, एक्सपीरियंस तो अमेजिंग लेवल का। लेकिन हमारी टीम में अरुण जी हैं,
वरुण रात भर गेम खेलता रहता है, तो मैंने बोला कि भाई तू भी एक बार ट्राई कर। वरुण इज अ पीसी गेमर, लेकिन मैंने बोला क्यों ना एक बार ट्राई कर तू भी भाई, क्योंकि ये भी ऐसे बड़े बड़े हेडफोन आए गेम खेलता है। कैसा था भाई एक्सपीरियंस बता? यानी कि जैसे सराउंड साउंड थी वो काफी ज्यादा क्लियर थी, फुटस्टेप्स की आवाज बिल्कुल ही क्लियर थी, डायरेक्शनलिटी की बात करो तो वो भी काफी ज्यादा क्लियर आ रही थी। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ सिंपल वर्ड्स में, वरुण कहने का मतलब है कि फुटस्टेप्स की आवाज काफी क्लीन थी और डायरेक्शन वाइज आवाज आ रही थी और सराउंड साउंड बहुत अच्छा था, मतलब कि जो मैंने बोला था उसी को उसने रिपीट कर दिया। सो अभी हम गेमिंग कंप्लीट कर ले तो अब बात करते हैं अपने कूलर की। यहाँ तक ठंडा हो रहा पूरा प्लास्टिक, ऑलमोस्ट 21 मिनट कंप्लीट हो चुका है और अभी इसका टेम्परेचर ले लेते हैं। वैसे आप देखोगे तो पूरा पानी वानी जमा हुआ है इस पे। टेम्परेचर लेते हैं 0.9 डिग्री सेल्सियस, पहली बार देखा है मैंने इसके ऊपर ये वाला, वन से कम हुआ डिग्री पहुंच जाएगा। ओके 0.2 हो गया और कम हो रहा है, मतलब कि भाई दम तो है इस कूलर में और मैंने पहली बार देखा है किसी कूलर में इतना ज्यादा कम टेम्परेचर, इम्प्रेसिव चीज है। और तो हम लोगों ने इसको मोबाइल के ऊपर नहीं लगा रखा था, अगर मोबाइल के ऊपर लगाते भी ना एटलीस्ट 6-7 डिग्री तो कर ही देता मोबाइल को। वैसे सर्दी है तो सर्दी का हेल्प इसको मिल रहा होगा और अभी हमारा फोन भाई आधे घंटे गेमिंग में ऐसे गर्म वर्म नहीं होगा क्योंकि इसको भी सर्दी का हेल्प मिल रहा है। अगर मैं कंक्लूड करूँ इन तीनों ही चीज को, कूलर, स्लीव या इनका ट्रिगर, ये वाला जो कंट्रोलर है इसकी प्राइसिंग है 600 रुपए और इसका परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा लगा, मतलब कि बटन काफी क्लिकी सा है ये। इसकी बिल्ड क्वालिटी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है लेकिन ठीक है भाई, 600 रुपए के हिसाब से बहुत ज्यादा कंप्लेन नहीं कर सकते। ये तीनों बजट में काफी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। तो अगर बात की जाए फाइनल इस एयरफोन के बारे में, तो जनरली गेमिंग एयरफोन की प्राइसिंग थोड़ी सी महंगी होती है, इसकी प्राइसिंग है 749, लेकिन अगर आप हमारा कूपन कोड टेकू यूज करोगे 20% डिस्काउंट मिल जाएगा आपको और इफेक्टिव प्राइस 600 रुपए होगा और मुझे लगता है 600 रुपीज के हिसाब से बहुत ही अच्छा गेमिंग ईयरफोन है ये। सो अगर एक्सपीरियंस की बात की जाए तो फिटिंग इसकी बहुत अमेजिंग नहीं है, लेकिन इसमें जो दो डिफरेंट एयर हुक्स आते हैं उसके मदद से फिटिंग काफी प्रॉपर सी मिल जाती है आपको। तो एक बार शार्क फिन की भी टेस्टिंग कर लेते हैं, इसकी फिटिंग भी काफी प्रॉपर है और शायद मुझे लगता है कि मेरे ईयर पे ज्यादा अच्छा यही वाला फिट हो रहा है, शार्क फिन वाला। ओवल वाला भी अच्छा था लेकिन ये वाला ज्यादा अच्छा फिट हो रहा है। और गेमिंग फुटस्टेप की आवाज, सराउंड साउंड और राइट लेफ्ट चैनल जिससे आपको फुटस्टेप क्लियर सारे पता चलते हैं काफी ज्यादा क्लियर है और मुझे लगता है कि बजट में बेस्ट गेमिंग एयरफोन से। ये था मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड रिव्यू फॉर पिनबॉट W10 और मुझे गेम वेम खेल के काफी ज्यादा अच्छा लगा, होपफुली आपको भी वीडियो देख के काफी अच्छा लगा होगा। लेकिन सरप्राइज की बात करें, दो पीस का गिव अवे हम लोग कर रहे हैं, गिव अवे के रिजल्ट इंस्टाग्राम पे डाल देंगे ऑलमोस्ट 10 दिन के बाद और गिव अवे रूल बहुत ही सिंपल है, इस पर वीडियो को लाइक कर देना, कुछ भी कमेंट कर देना, इसमें चैनल सब्सक्राइब करना, आपको इंस्टा फॉलो करना, दैट्स ऑल, बहुत ही इजी है। तो बस इतने रखते हैं इस वीडियो के लिए, आई होप कि आपको मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड रिव्यू फॉर स्पिनबॉट W10 समझ में आ गया होगा। लेना तो आप डेफिनेटली ले सकते हो, मुझे काफी पसंद आया तो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ और यहाँ तक वीडियो देख के लाइक कर देना, सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, बाय।